आसमान में सतरंगी प्रकाश और ओम की गूंज भगवान शिव के धाम कैलाश के अनसुलझे रहस्यों से नासा भी हैरान है। अधिकांशतः सनातनी धर्मावलंबियों के लिए कैलाश श्रद्धा का प्रतीक है। वहीं अमेरिकी एजेंसी नासा को कैलाश पर्वत एक रहस्यमय जगह लगती है। कई रूसी वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर अपनी रिपोर्ट पेश कर वैज्ञानिक महत्ता से जुड़ी रहस्यों को उजागर किया है। कैलाश पर्वत को आज भी हम सनातनी भारतीय लोग शिव का निवास स्थान मानते हैं। शास्त्रों में भी यही लिखा है कि कैलाश पर भगवान शिव का वास है। ये अलग बात है कि अधिकांश सनातनी धर्मावलंबियों के लिए कैलाश श्रद्धा का प्रतीक है। वहीं अमेरिकी एजेंसी नासा को अद्भुत अलौकिक कैलाश पर्वत एक रहस्यमय जगह लगती है। सिर्फ नासा ही क्यों, कई रूसी वैज्ञानिकों ने भी कैलाश पर्वत पर अपनी रिपोर्ट पेश कर उसकी वैज्ञानिक महत्ता से जुड़े रहस्यों को उजागर किया है। इन सभी रिपोर्टों में माना गया कि कैलाश पर्वत वास्तव में कई अलौकिक शक्तियों का केंद्र है। विज्ञान ये दावा तो नहीं करता कि भगवान शिव देखे गए, परंतु ये सभी मानते हैं कि यहाँ कई पवित्र शक्तियाँ जरूर काम कर रही हैं। संभवतः यही वजह है कि कैलाश पर्वत से जुड़े दंत कथाएं और रहस्यमय किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को आकर्षित करते आ रहे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्य। रूस के वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत आकाश और धरती के साथ इस तरह से केंद्र में है जहां चारों दिशाएं मिल रही हैं। कुछ रूसी वैज्ञानिकों का दावा है ये स्थान एक्सिस मुंडी है और इसी स्थान पर व्यक्ति अलौकिक शक्तियों से आसानी से संपर्क कर सकता है। धरती पर यह स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली स्थान है। दावा किया जाता है कि आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच सका। हालांकि 11वीं सदी में तिब्बत के योगी मिलारेपी के शिखर पर पहुंचने का दावा किया जाता है। ये अलग बात है कि इस योगी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं थे। ये भी माना जाता है कि वह खुद भी सबूत पेश नहीं करना चाहते थे, इसलिए ये भी एक रहस्य है। इन्होंने कैलाश के इस शिखर पर कदम रखा, फिर वह कुछ बताना नहीं चाहते थे। कैलाश पर्वत पर दो झीलें हैं और ये दोनों ही रहस्य बनी हुई हैं। आज तक इनका भी रहस्य कोई नहीं खोल पाया। एक झील साफ और पवित्र जल की है जिसका आकार सूर्य के समान बताया गया है, वहीं दूसरी झील अपवित्र और गंदे जल की है तो इनका आकार चंद्रमा के समान है। ऐसा कैसे हुआ ये भी कोई नहीं जानता। यहाँ से जुड़े आध्यात्मिक दस्तावेजों और शास्त्रों के अनुसार रहस्य की बात करें तो कैलाश पर्वत पर कोई भी व्यक्ति सशरीर उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच सकता है। ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर देवताओं का आज भी निवास है, पवित्र संतों की आत्माओं को आज भी निवास करने का अधिकार दिया गया है। यही वजह है कि कैलाश पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत का एक रहस्य ये भी है कि जब कैलाश पर बर्फ पिघलती है तो यहाँ से डमरू के बजने जैसी आवाज़ आती है, जैसे कई लोगों ने सुना है। लेकिन ये आवाज़ कहाँ से और कैसे आती है इसका स्रोत नहीं है पता चल सका। हिंदी अंग्रेजी के कई लेखकों ने कैलाश की इस अनूठी खूबी को अपनी किताबों में जाहिर किया है। हालाँकि इस रहस्य को आज तक कोई हल नहीं कर पाया। कई बार कैलाश पर्वत के ऊपर सात तरह के प्रकाश आसमान में देखे गए। इस पर नासा का मानना है कि यहाँ चुंबकीय बल है और आसमान से मिलकर वह कई तरह की चीज़ों का निर्माण करते हैं। ये भी कहा गया कि कैलाश अखिल ब्रह्मांड का केंद्र है और इस कारण उसके ऊपर चुंबकीय बल की अद्भुत शक्ति विद्यमान रहती है। कैलाश पर्वत दुनिया के चार मुख्य धर्मों का केंद्र माना गया है। यहाँ कई साधु और संत अपने देवों से टेलीपैथी से संपर्क करते हैं। असल में ये आध्यात्मिक संपर्क होता है। हिंदू धर्म के अलावा प्राचीन मिस्र में भी कई ऐसे पर्वतों को पूजा जाता है जो न सिर्फ रहस्यमय शक्तियों से ओतप्रोत हैं बल्कि अध्यात्म की खोज में रहने वाले लोगों को भी आकर्षित करते हैं।
कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य खुद विज्ञान ने साबित किया है। यहाँ पर प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज़ सुनाई देती है। जाहिर है अपनी इन्हीं अनसुलझे रहस्यों या खूबियों के कारण कैलाश पर्वत आज भी इतना धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व बनाए हुए है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजय है। यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका। कैलाश पर्वत और कैलाश क्षेत्र पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और इस पर रिसर्च करने वाले ह्यूट्रिलीज ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने को असंभव बताया। इसके अलावा एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक लिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। कई पर्वतारोहियों को दावा है कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियोकोव ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि जैसे मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे ही हम नीचे उतरते गए मन हल्का होता गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 17 साल पहले 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी थी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। इसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। कैलाश पर्वत का महत्व इसकी ऊंचाई की वजह से नहीं बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत का आकार चौमुखी दिशा बताने वाले कंपास की तरह है।